हेलो हाय गुड मॉर्निंग सुप्रभात नमस्कार। एक नए दिन की शुरुआत करते हैं नए और बहुत ही खूबसूरत ब्लॉग के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज के दिन की और ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। आज है महाशिवरात्रि का पावन पर्व, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बने रहे। प्रभु आपके घर में सुख शांति समृद्धि वैभव यश ऐश्वर्य सब कुछ दें, तो इसी कामना के साथ इन्हीं शुभकामनाओं को प्रेषित करते हुए मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में, देखते हैं आज हम कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन कौन से मंदिर में जाते हैं। पूजा पाठ मैंने कर ली है, आज मैंने सोचा है कि मैं साड़ी पहनूंगी, तो मैं थोड़ी देर में साड़ी पहनती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आज का जो मुख्य फल है पहाड़ों में जो पकवान को चढ़ाया जाता है और खाए जाते हैं, वह है तौड़, जिसको तरुड़ कहा जाता है। अब ये भी हमारे घर में पहुंच चुके हैं, ये हम भी खाएंगे और प्रभु जी को इसका भोग भी लगाएंगे। भगवान भोलेनाथ को बेर अति प्रिय हैं, आज बेरों का भोग भगवान को लगाया जाता है। और मैंने यहाँ पे तौड़े भी रख दिए हैं और केले भी रख दिए हैं, अब भगवान को चढ़ा देते हैं बेर। मेरा प्रिय छात्र ले आया आज तोड़े, बहुत बहुत बधाई हो शिवरात्रि की। आपको भी बधाई, धन्यवाद। थल के दर जा रहा है ना? हाँ। प्रभु तेरी मनोकामना पूर्ण करे। हाँ। थैंक यू, जा फिरा बेटा। हाँ। हमेशा हमारे लिए जो भी चीज होती है लेके आता है, ये बहुत ही अच्छा छात्र है और कभी बताऊंगी इसके बारे में जिस दिन मौका आएगा। तो लाए है तोड़े, काफी सारे तोड़े हो गए हैं, अब मैं इनको धो देती हूँ। यहाँ पे मैंने तोड़े धो दिए हैं, ये तो अभी दिनेश वाले नहीं है, वो अभी मैंने धोए नहीं है। इसमें ये घर वाले हैं और ये जंगली तोड़, जंगली तोड़ थोड़ा सफ़ेद हूँ, ये देखिए सफ़ेद, और एक बनावट ले कुछ अलग हुए, घर तोड़न की बनावट अलग हुई। तो आप बहुत ज़्यादा तोड़ हो गया हमारे पास, कुछ मेरे बल्ले अलग। ऐसे पर्वों पर मुझे अपने मायके की और विशेषकर अपने अम्मा बाबू की बहुत ज़्यादा याद आती है। यह है दिनेश की लाई हुई तोड़े, हमारे घर में बहुत तोड़े हुआ करते थे जब तक बूबू थे, और शिवरात्रि के पहले दिन खोदते थे, बहुत बड़ी दीवार लगाए रहते थे हम और उस पर फिर इसकी बेलें लगाए रहते थे, और शिवरात्रि के पहले दिन खोते नहीं, तो मैं बूबू के साथ ही रहती थी कि कद्दू तोड़ निकलाल, कद्दू तोड़ निकलाल गए। बूबू खड़े ब्याह दू ज़्यादा निकलन ब्याह, और बिजान बेचना के साधन न थे, बेचन के न ब्याह, हमारे यहाँ बहुत ठूल बक्टो न मेरे मैं उन डॉक्टर भर भर तोड़ निकलन में, तो मैं ये बहुत ही ज्यादा देख बन ले, मैं ज्यादा ना लागन, क्योंकि मेरे मायके में मैंने बचपन से बहुत कुछ ऐसी चीजें देख रखी हैं। चाहे यहाँ 10 किलो भी होंगे तो भी मुझे कम ही लगते हैं, क्योंकि वहाँ 50 किलो 60 किलो तोड़े हम एक साथ खोदते थे। हम निकल गए घर से और आज हम जा रहे हैं तालेश्वर मंदिर, भगवान तालेश्वर की कृपा, भगवान शिव की कृपा सब पर बनी रहे। तो बने रहिए आप मेरे साथ, आज मैं कराती हूँ आपको हमारे एक इंटरनेशनल कंट्री जो है नेपाल, उसके दर्शन और भगवान तालेश्वर महादेव के दर्शन। वड्डा से चूलाघाट जाने के लिए हमको डाउन जाना पड़ता है, क्योंकि चूलाघाट जो है वो कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो अब हम नीचे नीचे की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे गर्मी का एहसास ज्यादा होगा, क्योंकि घाटियों में अब गर्मी पड़ने ही लग गई है। पहाड़ों में ऐसे मंदिर अमूमन देखने को मिल ही जाते हैं। यहाँ पहुंच के पड़ा हुआ, यहाँ पर है सुंदर सी झील, देखिए यहाँ पे आके आप बोटिंग भी कर सकते हैं। छोटी सी कृत्रिम झील यहाँ पर बनाई गई है, सामने हिम से लदी हुई चोटियां बहुत ही अच्छी दिख रही है। ये प्रकृति के अनेकों रंग हैं और हर रंग अपने आप में एक नई ऊर्जा का संचार मनुष्य के शरीर में मन मस्तिष्क में करता है। आजकल बसंत ऋतु है तो फूलों में पेड़ों में बहुत सारे फूल आए हैं, नई नई कोपलें आई हैं, तो प्रकृति एक नया श्रृंगार कर रही है। और साथ ही हिम से लदे हुए लगभग पहाड़ जब दिखते हैं तो मन में कई तरह की कल्पनाएं उठती हैं और मन में बहुत एक अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हम टाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे हम भाबर क्षेत्र की तरफ अपनी यात्रा को जारी किए हुए हैं।
तो फाइनली हम पहुंच गए हैं झूलाघाट। झूलाघाट से थोड़ा ऊपर से ये व्यू है, देखिए बहुत सुंदर सा कस्बा है झूलाघाट। और जो ये नदी है ये है काली नदी। काली नदी भारत और नेपाल की सीमा रेखा को तय करती है, यानी इधर जो ये हरा हरा दिख रहा है खेत वाला, ये झूलाघाट है भारत में, और उधर नदी के पार ये है झूलाघाट। तो अब हम चलते हैं धीरे धीरे। वनस्पति तो पूरी प्लेन्स की तरह की होती है, यहाँ साल होता है, चूरा है, आम है, और करी पत्ता है, पीपल के पेड़ हैं। तो पूरा टोटली जो वनस्पति है वो है मैदानी क्षेत्रों की, क्योंकि गर्म होने से ऐसा है। ये जो पहाड़ है ये है नेपाल के ऊपर। हम पहुंच गए हैं, बहुत सारी भीड़ है आज, काफ़ी गाड़ियाँ भी रुकी हुई हैं। ऊपर बहुत सुंदर से गेहूं के खेत दिख रहे हैं। ये है काली नदी, मिलम ग्लेशियर से निकलने वाली काली नदी, और टनकपुर में शारदा के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है, और कई नदियों को का इसमें संगम होता है। तो यहाँ पर जब बहती है तो लग ही नहीं रहा है कि ये बह रही है। कितना ज़्यादा पानी आ रहा है। आज यहाँ पर बहुत भीड़ है, लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, छोटा मेला भी लगता है यहाँ पे। हाँ पहले तालेश्वर में एक तो ऊपर से छोटी सी नदी आती है, छोटी सी गाढ़ गधेरा आता है, लेकिन ये सदाबहार है, सदा नीरा है ये भी, और ये आगे काली नदी में मिलती है। तो इस काली नदी के जल से नहीं, इस जल से आचमन करके स्नान करते हैं लोग। यहाँ पर भूमिया का मंदिर है ये, और यहाँ पर भी हमने पूजा पाठ कर लिए। लोहे के बर्तन भी आए हैं, यहाँ भी मिल गए हैं हमारे सब्सक्राइबर। क्या कहना चाहोगे, किस सुबह आए? मैं सुबह आ गया था। सुबह आ गया, आपने ये वेट कैसे कम कर दिया इतना? वेट मेहनत करके। मेहनत करके तो बढ़ता है, मेहनत करके घटता है। अच्छा, बिल्कुल सामने है अब काली नदी, और थोड़ा यहाँ पे फोटोग्राफी कर लेते हैं। तो हमने भी कर ली है फोटोग्राफी। एक मेरी यहाँ पे सिंगल ले दो। प्रकृति के नज़दीक कितना अच्छा लगता है, वाओ बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। प्रकृति वाकई में ना बहुत ही सुंदर होती है, अनुपम, अकल्पनीय, अकथनीय होता है इसका वर्णन करना। मन को कितनी ज़्यादा शांति मिलती है। छोटी सी ये नदी, यहाँ पे है संगम, संगम में ही लोग बाल वगैरह काटते हैं। मेला दुकानें तो ज़्यादा नहीं है यहाँ, एक दो बर्तनी की दुकानें थी और थोड़े गन्ने बिक रहे थे, लेकिन श्रद्धालु काफ़ी आए हुए थे। बहुत अच्छा हुआ, अच्छे से हमारी पूजा पाठ हो गई, भगवान जी के दर्शन भी अच्छे से हो गया, तो काफ़ी अच्छा लगा। मंदिर तालेश्वर है थोड़ा अगिल के खिन, उनमें नेपाल है चमलन्या नदी हो, और यहाँ जो काली नदी में वो मिल जाए, तो मैं तुमसे चमलन्या नदी देखो। ये है चमलन्या नदी जो काली गंगा में मिल जाती है। ये है झूलाघाट, और काफी ज्यादा केले के पेड़ हैं यहाँ पे। भगवान तारेश्वर के दर्शन करके हम पहुंच गए हैं घर, और आज मैं वहां से बहुत चीज लाई, दिखाती हूँ क्या क्या लाई हूँ। मैं लाई हूँ ये है करी पत्ता, जिसको मीठी नीम भी कहा जाता है। एक हमारे साथ वो धामीचे आए थे, मतलब मंदिरा पूजा, उन्होंने बहुत तोड़ दे, अब इसका लगाएंगे हम तड़का। तो कुछ कंदमूल फल अब खा लेते हैं, ये तौड़े में उबालने के लिए रख देती हूँ, और फिर इसको खा लेती हूँ, क्योंकि व्रत है आज, फलाहार कर लेती हूँ। यह है कद्दू, और इस कद्दू को मैं लाई थी रूम सकुन से असोज के महीने में, जब हम वहाँ उसमें गए थे नवरात्रियों में, आश्विन माह की नवरात्रि में। तो पुबी भैया की मम्मी ने ये कद्दू दिया था, और कद्दू कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन जरूर पकाना चाहिए। पहले तो इसको उबाल के ही खाते थे, क्योंकि फलों की कमी हुआ करती थी, तो कद्दू खाते थे। प्लेन्स में इसको सीताफल कहते हैं, और आज के दिन से जरूर खाया जाता है। तो इसको मैं काट देती हूँ आज, और कद्दू कटेगा का देखो किस किस में बढ़ता है।
इस तरह से मैं इसको काट रही हूँ, बहुत ही सख्त हो रहा है ये काटना। तो कुछ इस तरह निकला है अंदर से। देखिए आप, इतने सारे बीज हैं, इन बीजों को हम बो देंगे। अब उबाल कर खाने में तो कद्दू मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कद्दू के जो बीज होते थे वो मैं बहुत ज़्यादा खाती थी। ऐसे पूजा पाठ कर ली है तो अब कर लेते हैं भोजन की तैयारी। महाशिवरात्रि का पर्व बहुत बढ़िया रहा, भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे, सभी के घर में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो और सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ आज के ब्लॉग की मैं समाप्ति करती हूँ और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। यदि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। बाय।